इंदौर में लोधी लोधा लोध क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश द्वारा शराबबंदी को लेकर कल दोपहर कलेक्टर परिसर पर जाकर ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश को दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में देश में दूसरे नंबर पर लाने में शराब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही एक बड़ा कारण है फिर क्यों शराब व्यापार पर बंदी नहीं की जा रही है। यदि इस्लाम में शराब हराम है तो फिर हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए सरकार यह व्यापार क्यों कर रही है। जब लाडली बहन योजना में सरकार के पास सालाना मुफ्त बांटने के लिए 18,000 करोड़ की राशि उपलब्ध है तो फिर 13,590 करोड़ सालाना कमाने के लिए सरकार शराब व्यापार क्यों कर रही है। साल 2023 में 77,406 सड़क हादसे हुए जबकि 2024 के पहले 6 माह में ही जनवरी से जून तक 88,255 सड़क हादसे हुए जिसका मुख्य कारण भी शराब ही रही है। तो फिर क्यों सरकार इस पर पाबंदी नहीं लगा रही है। फिर क्यों नहीं होना चाहिए पूर्ण शराबबंदी। आम आदमी की जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि शराब का व्यापार कोई और नहीं सरकार स्वयं ही करती है तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए पूर्ण शराबबंदी, पूछता है सर्व समाज। आज हर गांव, हर गली, हर शहर में शिक्षा और दवाओं की जगह शराब मिल रही है तो फिर क्यों नहीं शराबबंदी पूर्ण रूप से हो रही है। सर्व समाज आबकारी विभाग को चलाने में सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है तो फिर क्यों नहीं पूर्ण रूप से शराबबंदी हो रही है, यह सवाल सब पूछ रहे हैं। महासभा के सभी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अच्छा सर बताएं, जो आज आप ये नशाबंदी के खिलाफ जो यहाँ पे आवेदन के लिए आए थे कलेक्टर में, आज इंदौर में हमने मुख्यमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के ब्यापे श्री ADM दोषन राय जी को ज्ञापन सौंपा है जिसमें हम लोगों ने मांग की है संपूर्ण लोधी लोधा लोध समाज ने कि संपूर्ण प्रदेश में शराबबंदी की जाए और शराब और अन्य नशों पर रोक लगाई जाए। इसी तरह के ज्ञापन सभी 52 जिलों में हमारा संगठन दे रहा है और इसी तारतम्य में आज इंदौर के जो सभी संगठन हैं प्रमुख संगठनों के लोग आए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर आपकी ये मांग पूर्ण नहीं की जाती तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद जो प्रादेशिक हमारी महासभा है वो तय करेगी कि इसको लेकर आगे क्या कदम उठाना है क्योंकि हमारे समाज के अन्य लोग भी, अन्य संगठन भी और अन्य राष्ट्रीय नेता भी इस तरह की मांग पिछले कई लंबे समय से कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि इंदौर शहर में करीब 15 से 20-22 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा नशे का सेवन कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम ये मानते हैं कि नशा किसी भी तरह का हो वो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और धर्म और उसका नुकसान तो करता ही है और उनके जो नैतिक पतन भी एक उसका कारण बनता है। तो हम चाहते हैं किसी भी तरह का नशा हो उस पर रोक लगना चाहिए और शासन और प्रशासन इसके लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकता है, उसको करनी चाहिए। आपका पूरा परिचय? मोहन सिंह नवरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा। विवेक सिंह की रिपोर्ट।